Marvin. What is that? Where is the air condition? Hello. Hello. You choose here? Yeah, I choose here. तो ये रेस्टोरेंट के अंदर जो है मैंने कुछ वेजिटेबल्स और राइस मंगाया है क्योंकि गोश्त वगैरह मैं काका के तक गया हूँ। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये जो सुल्तान अहमद का एरिया है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो फिर आपको मतलब रीज़नेबल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ये वाला पसंद है। इसमें सारी चीज़ें सामने अवेलेबल हो तो ईजी होता है उसको सेलेक्ट करना। वैसे यहाँ पर वो भी रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप बाकायदा ऑर्डर दे सकते हैं और ताज़ा कोई बारबेक्यू वगैरह। तो ये जो है तकरीबन $5 का है, आप देख सकते हैं जो राइस और वेजिटेबल्स मैंने मंगाए हैं। तो ये खाने के बाद मैं जाऊँगा आगे, आपको विज़िट कराता हूँ आया सूफिया है। चूँकि दोस्तों मैं कल ही आया था यहाँ तुर्की इस्तांबुल, तो आराम किया था। आज मैं निकला था खाने के बाद, अभी मैं ये शॉप पे आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने कहा सिम ले लेता हूँ। तो सिम का यहाँ मैंने पूछा है, तुर्क टेलीकॉम जो है वो एक अच्छी कंपनी है, लोगों ने भी रेकमेंड की थी जो यहाँ पे लोग रहते हैं। तो सिम इनकी यहाँ पर 160 लीरा के अंदर मिल जाती है 10 GB डेटा के साथ, तो 3 मंथ्स तक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप टूरिज़म के लिए यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा 25 GB जो है 220 लीरा में मिल जाता है यहाँ पे इजीली। अभी ये मैं भाई से सिम ले रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप तुर्क टेलीकॉम 4G सिम कार्ड। अच्छा जी, ये लगे हाथों मैंने करेंसी भी एक्सचेंज की है, तकरीबन $100 के जो है 700 मिले हैं। $1 का 7 मिलता है तुर्किश लीरा जो है। और यहाँ पे सुल्तान अहमद के एरिया में आपको हर जगह पे ये करेंसी एक्सचेंज वाले मिल जाते हैं। यहाँ का रेट थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत के लिए आपको चाहिए तो लाजमी बात है $100 तो आपको एक्सचेंज करने पड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे ये बने हुए हैं करेंसी एक्सचेंज। तो ये मैंने अभी करेंसी भी ले ली है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो वगैरह का रश। जी व्यूअर्स, अभी मैं ये आयासोफिया में दाखिल हो रहा हूँ और काफ़ी रश है। हमने तकरीबन 20-25 मिनट वेट किया, धूप है, लेकिन अभी फाइनली ये चांस मिला है, तो काफ़ी रश है यहाँ पे। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई जो है ना तस्वर नहीं है इस जगह पे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता मास्क लोगों ने पहने हुए हैं और सिक्योरिटी बहुत सख्त है। पहले इस जगह पे आने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हर तरफ सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं, फौज वाले हैं, तो काफ़ी टाइट है। अभी हम पहुंचने वाले हैं, मैं अंदर जाके आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या सीन है यहाँ पर। Devrem, içerideki yoğunluk nedir? Alımlar devam edelim mi? Doğrudur Devrem. Nereye yana? Ne
100 tane erkek. Hadi ana gel. Gel şuraya doğru geçelim. Gel ayakkabı. जी व्यूअर्स, अभी मैं अंदर आ गया हूँ आया सूफिया की एक अजीम शान जो है बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और यहाँ पे बहुत रश है यार, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो नमाज का टाइम नहीं है। हमने बाहर वेट भी किया और यहाँ पे वो जो पहले ये म्यूज़ियम था, मैं पहले भी आया था, तो अभी बहुत सारी इसके अंदर चेंजिंग की गई है। वो जो क्रिश्चियनिटी की चीज़ें थी ना, वो छुपा दी गई है या हटा दी गई है, तो अभी सिर्फ जो है आपको यहाँ पे मस्जिद वाली चीज़ें मिलेंगी और इस्लाम वाली चीज़ें मिलेंगी। ये तो खैर पहले भी थी, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग आई है। और वंस अगेन सिक्योरिटी टाइट है, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुख्तलिफ जगह से। और ये आप देख सकते हैं ख्वातीन हज़रात सब लगे हुए हैं, तस्वीरें मस्वीरें लोग ले रहे हैं। तो मैंने इसको विज़िट कर लिया है और आपको दिखा दिया है कि अभी इसकी क्या हालत है, जब ये अभी रिसेंटली तब्दील हुआ था ना। वो सामने दोस्तों आया सूफिया है, वहाँ मैं गया था, वहाँ से मैं बाहर आया हूँ। और इस तरफ जो है ना, वो वहाँ पे ब्लू मॉस्क है। तो ये जो पूरा एरिया है, इसमें पहले अंदर जाने के लिए ना कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, ओपन होता था सारा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी चेक से गुजर के फिर आगे जाते हैं, आपको पूरा चेक किया जाता है। अगर आपके पास बैग वगैरह है तो खोल के चेक करते हैं। तो फिर इस एरिया में एंटर होते हैं जहाँ पे ब्लू मॉस्क और फिर सामने आया सूफिया है। और ये आप देख सकते हैं कितना रश है लोगों का। और ये एक छोटे से ढाबे होते हैं यहाँ इस्तांबुल में, जहाँ पर आप बर्गर वगैरह, स्नैक वगैरह, ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। तो मैं भी अभी एक छोटी सी ड्रिंक ले कर फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। अच्छा व्यूवर्स, अभी मैं बाहर आया हूं और यहां पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे सूरज ग़ुरूब होता जाता है तो यहां रश बढ़ जाता है। और यहां पर दिन बहुत लंबा होता है, तकरीबन 8-8:30 बजे शाम होती है इस्तांबुल के अंदर, तो रश काफ़ी होता है पूरा दिन। अभी ये जो मैं विज़िट कर आया हूँ आया सूफिया, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो फिर हम इस व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। ये बेसिकली इस्लाम से भी पहले बनाया गया था, तकरीबन 6वीं सेंचुरी के अंदर, और बहुत ही पुराना एक इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो लैंडमार्क है ना, बहुत ही पुराना है, मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बनाया गया था ये। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये उस टाइम पे एज अ चर्च बनाया गया था, फिर 900 साल तक ये चर्च था। और ये जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स है उनके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट साइट है, मतलब यहाँ तुर्की में। और ये तकरीबन 900 साल के बाद जब यहाँ पे वो हुआ, इनका कब्ज़ा हुआ, ये जो उस्मानिया सल्तनत थी उन्होंने जब कब्ज़ा किया तो इसको उन्होंने कन्वर्ट किया मस्जिद में 1453 के अंदर, तो जो ओटोमन एम्पायर है उस ज़माने में। उसके बाद ये 500 साल तक मस्जिद थी, और मस्जिद के बाद फिर जो है जब ये नया तुर्की बना, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तो इसका जो फाउंडर था कमाल अतातुर्क, उन्होंने जो है इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया। तो म्यूज़ियम के अंदर क्या था कि इसमें क्रिश्चियन और जो मुस्लिम दोनों चीज़ें थी वो शामिल थी, और इसको बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते थे, मतलब हर साल इसको तकरीबन 50 लाख से ऊपर लोग विज़िट करते थे। तो अभी जो है ये पिछले मंथ इसको दोबारा से मस्जिद करार दिया गया है। तो अभी जो मैं इसके अंदर गया था और 1-2 घंटा मैंने इसके अंदर जो गुजारे हैं, मैं घूमा फिरा हूँ, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर, मतलब 90% से ऊपर जो लोग अभी इसको विज़िट कर रहे थे वो मुस्लिम लग रहे थे। मुस्लिम कैसे लग रहे थे, क्योंकि जो ख्वातीन थी वो ज़्यादातर जो है स्कार्फ वगैरह के अंदर या कुछ लोग बुरख़ों के अंदर थी, तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं।
और इससे पहले इसको मैंने एक बार विज़िट किया था जब ये म्यूज़ियम था, तो उस टाइम पे इसको हर तबके के लोग विज़िट करते थे, यूरोपियंस और दूसरे जो बाहर के लोग हैं वो मैंने इसमें बहुत देखे थे, सब मिलजुल के इसके अंदर जाते थे। और अभी जो है ज़्यादातर जो इसमें मुस्लिम्स जो है मैंने देखे हैं। अब आई डोंट नो, हो सकता है कि आजकल जो है दूसरे टूरिस्ट यहाँ पे आ नहीं रहे हो, ये वजह हो सकती है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जब ये म्यूज़ियम था फिर भी लोग इसको बहुत विज़िट करते थे, और अभी भी इसको लोग बहुत विज़िट करेंगे अभी जब ये मस्जिद बन गई है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका सेम है और बहुत ही खूबसूरत एक अजीम शान बिल्डिंग है। तो मैंने कहा कि इसका आपको विज़िट करा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे थे कि इसकी वीडियो कैसे बनेगी। तो इसके बाद जो है इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ पे मैं इस्तांबुल में हूँ, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा तुर्की में फ़ूड के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।